एक तरफ भारत देश में कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के विवादित बयान ने हड़कंप मचा रखा है और हर संप्रदाय के, जी हां, विशेष रूप से मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो हैं सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें कि किशनगंज में भी कहीं ना कहीं लोगों का इस विवादित बयान को लेकर अलग अलग प्रभाव भी देखने को मिला है। इसी कड़ी में बता दें कि किशनगंज में मौलाना अब्दुल रजाक रिजवी का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि नुपुर शर्मा का यह बयान कहीं ना कहीं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है, ठेस पहुंचाने वाला है और इस तरीके के बयानों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन नुपुर शर्मा के खिलाफ किया जाता है, आखिर क्या वजह है? नुपुर शर्मा और नवीन जंदल, इनके ताल्लुक से जो आज धरना प्रदर्शन एहतजाज मुल्क के जगह जगहों में हो रहा है और मुसलमान हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहा है, ये बात तो सबों पर जाहिर है कि नुपुर शर्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है जिसकी जानकारी उसे खुद भी नहीं है। किसी एक किताब में उसने पढ़ लिया, अब किसी की गढ़ी हुई किताब होगी हिंदी या अंग्रेज़ी में, वो तो उर्दू भी शायद के पढ़ना नहीं जानती, अच्छे मुअर्रिख की कोई तारीख़ी किताब से वो नहीं पढ़ी होगी, या वो तो अरबी दा है नहीं कि अरबी की ज़बान उसे आती है और उस अरबी की किताबों से उसने उर्दू में ट्रांसलेट किया हो, तर्जमा किया हो और बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद वो नतीजे पर पहुँची है कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि 6 साल की उम्र में निकाह ज़रूर हुआ, लेकिन 11 साल की उम्र हो चुकी थी हिजरत के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ आई हिजरत के बाद और हुजूर की रिफाकत में रही। और इस्लामी कानून के हिसाब से ये सारे स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर जानते होंगे और जो इस्लामी कानून जानते हों उनको मालूम है कि लड़कियां 9 से 12 साल के दरमियान जो है बालिगा हो जाती है, तो लड़की बालिगा होने के बाद उसकी शादी जायज़ है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये बात कहना, जबकि इस्लाम के मानने वाले जानते हैं कि नबी की तरह कोई नहीं, ना नबी किसी की तरह है, और हमारे नबी जो पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी ज़ात तो नूरुन अला नूर है। बशर होना उनके लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि बशरियत वह हमारे लिए है, पूरी इंसानी मानवता के लिए है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज